ये शुगर बीमारी मिट गया, अभी आई साइट इम्प्रूवमेंट हुआ है, थायराइड था वो भी अभी आराम हो गया। अभी जीने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो 75 जो है उल्टा हो गया, 57 हो गया, 50 हो गया, पता नहीं चलता। 300 पॉइंट था, अभी 130 पॉइंट पर आ गया। ये ऑलराउंडर है आपके लिए, बीपी, शुगर, आपका पैर दर्द, सभी के लिए आप एक महीने प्रोडक्ट यूज करने से आपको ऑलमोस्ट आपको खुद को पता चल जाएगा। ये वेल्थीएस्ट फूड है मैं आज तक जो देखा हुआ, मेडिसिन जैसे नहीं है, ये सप्लीमेंट है। आपको थोड़ा सा लाइट फूड में आपको बहुत पौष्टिक आहार मिलता है आपको। ये हमारा जो पूर्वा पहले वाला जो दादा दादी थे उनका टाइम का जो ये खाना है, पहले आपने देखा होगा हमारा मंदिर वगैरह, बड़ा बड़ा मंदिर है, उसको बनाने के लिए क्रेन वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमारा लोग बनाते थे। उनका जो पत्थर भी उठाने के लिए तंदुरुस्त रहते थे, वो तंदुरुस्त कैसे रहते थे, उसके लिए जो मूल कारण जो है पौष्टिक आहार वो है सिरिधान्य करके बोलते हैं। इस शहर को क्या हुआ है, डायबिटीज, बीपी, हाथ और पैर में दर्द, गैस्ट्राइटिस और क्या क्या, सोचो अगर हमको मिला एक एक सल्यूशन। अभी वही सोच रहे हो ना, अरे मेरे पास सल्यूशन है भाई, वो क्या है, जीनी हेल्थ मिलेट मिक्स। मैं आज इनहाउस फैक्ट्री में हूँ जीनी हेल्थ मिक्स का। चलिए पूछ लेते क्या है इसका प्रोसेस, कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इसका यूजर्स भी क्या है। आप तैयार हो, चलो फिर शुरू करते हैं। यस जी, हमारे पास है यहाँ का एक लोकलाइट सर, आपका नाम मंजुनाथ। यस, हमारे पास मंजुनाथ सर है, वो हमको यहाँ का प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाला है। सर जी, पहले आप बताओ ये हेल्थ प्रोटीन क्या है, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे बनाते हैं, ये पहले वो बताओ इसको कैसे बनाते हैं। ये हमारा जो पूर्वा पहले वाला जो दादा दादी थे उनका टाइम का जो ये खाना है, पहले आपने देखा होगा हमारा मंदिर वगैरह, बड़ा बड़ा मंदिर है, उसको बनाने के लिए क्रेन वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमारा लोग बनाते थे। उनका जो पत्थर भी उठाने के लिए तंदुरुस्त रहते थे, वो तंदुरुस्त कैसे रहते थे, उसके लिए जो मूल कारण जो है पौष्टिक आहार वो है सिरिधान्य करके बोलते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें सिरिधान्य में 9 तरह का सिरिधान्य होता है और 15 पल्सेस होता है उसके साथ, उसको सब कुछ प्रोपोर्शनेटली हम लोग मिक्स करके जो बनाता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो खरीदते हैं ये सब जो है हम लोग किसान से डायरेक्टली खरीदते हैं, जहाँ पे वो नेचुरल तरीके से जो उगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भरपूर वर्षम होता है, सब कुछ होता है, उसकी तरफ से हम लोग उससे लेते हैं। जैसे बल्लारी से लेते हैं हम लोग, बल्लारी सभी जगह से लेते हैं, जहाँ जहाँ उसका क्रॉप फेमस है, क्योंकि नेचुरली ग्रो करने के लिए एक नेचुरल तरीके का क्लाइमेट भी होना चाहिए। तो उनसे हम लोग खरीदने के बाद हम लोग हमारा खुद का मिल है, तो उसमें हम लोग पहले इनिशियल प्रोसेसिंग करते हैं, उसको मशीन में क्लीनिंग होता है। मशीन में क्या होता है, कितना भी अच्छा मशीन डालने से 95% क्लीनिंग होता है उसमें। तो हम लोग मशीन में क्लीनिंग होने के बाद हम लोग आके फिर इसको इधर मैन्युअली धोते हैं, हम लोग इसको धो के हम लोग इसको सुखाते हैं छाई में। तो धूप में सुखाने से क्या होता है, उसका जो पौष्टिक आहार है वो निकल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जितना भी हम लोग फ्राई करेंगे वो सब जो करते हैं आधा तो उसी में निकल जाता है, तो फ्राइड वगैरह। तो इसलिए हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग छाव में सुखाते हैं। छाव में सुखाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, छाव में सुखाने के बाद इसको हम लोग मैनुअली क्लीन करते हैं, वो हमारा दूसरा प्लांट में है, हम लोग उधर लेके चलते हैं अभी। अरे हमने तो वॉश किया, फिर ड्राई भी किया, उसके बाद क्या प्रोसेस है, चलो पूछ लेते हैं। सर हम लोग वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, जितना भी मशीन करेंगे ना, मशीन का काम मशीन होता है, आदमी का काम आदमी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो मशीन उधर ने होने के बाद, ड्राई होने के बाद, हम लोग इधर लेके आके इधर मैन्युअली क्लीनिंग होता है। मैन्युअल क्लीनिंग जो है आपका जो माइन्यूट जैसे जितना भी डस्ट वगैरह है वो भी क्लियर हो जाता है इधर। ये होने के बाद हम लोग प्रोपोर्शनेटली उसको फिर से वेई करके उसको पैकिंग करते फिर से इधर से। सर मैन्युअली आपने बोला, हमने मैन्युअली करते, इसका फ़ायदा क्या है सर? मैन्युअली करने से आपको क्या होता है, जो छोटा छोटा धूल होता है वो भी इसमें क्लीन हो जाता है। मशीन में क्या होता है, मशीन हाँ पत्थर जैसा होता है, जितना भी है मशीन जो है आप जैसे बोलेंगे वैसे करते हैं उतना, बस मशीन को आप इतना ही बोलेंगे, इतना जो उसका साइज़ है उसमें से निकाल दो, उतना से इसका पत्थर भी आता है तो छोड़ देता कभी कभी। बट मैनुअल में हमारा जो है इधर जो भी कर रहा है, ये हमारा दादा दादी का एज का है, ये लोग जो है उतना सालों से आप खुद का जो किया हुआ है, उन्होंने हाथ से सफाई किया हुआ है, तो इतना क्लीनिंग में हम लोग को जो इसके अलावा भी जो डिमांड जो है हमारे लिए, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म इसको बोलते हैं।
क्या बात हो जाता है इसमें। सर एक और चीज़, आपने बोला कि आप वेट भी कर दे हो, वेट करने का क्या है सर, क्यों क्यों करना हो जाता है? हम लोग को पता चलता था ये जितना प्रोसेस होने के बाद, सपोज हमने 100 किलो का कुछ आइटम लिया, हमने एक दाने को 100 किलो का लिया, वॉश होने के बाद, ये होने के बाद हमारा जो पूर्वज होते हैं उसमें इतना परसेंटेज वापस आना चाहिए, तो उतना परसेंटेज में आएगा नहीं तो हमारा जो क्वालिटी चेक टीम है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्वालिटी सब कुछ देखते हैं इसमें। तो इसके बाद हम लोग जो होते हैं ये सब पैकिंग होने के बाद प्रोपोर्शनेटली वापस हम लोग हमारा फ्राइंग सेक्शन में जाता है। चलो अभी हम फ्राइंग सेक्शन में है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, चलो पूछते सर। ये जो फ्राइंग सेक्शन इतना हम लोग संभाल के वो दाने को हम लोग रेडी करके लेके आया, उसको फिर अभी आप स्टील जैसे इसमें यूज वेजल्स में यूज़ करेंगे तो उसका जितना भी प्रोटीन है वो निकल जाता है। इसलिए हम लोग जो क्या करते हैं इसको हम लोग ये मटका में करते हैं। मटका में करने से क्या होता है, इसमें जो हीट है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है और जो दाने जो है वो अंदर से बाहर से सभी जगह पकता है, अच्छी तरह से पकता है। तो इसकी वजह से इसमें करते हैं हम लोग। इसमें करने के बाद इसमें देख सकते हो आप पकड़ के भी देख सकते हो ये हीट नहीं होता। ट्राई करूँ मैं? कर सकते हो, इसको टच करिए, कुछ नहीं होता, देखिए ये हीट नहीं होता। अंदर का धान्य जो है वो हीटेड रहता है, उसको जितना होना चाहिए उतना ही है। अभी आप देखा होगा हमारा पूर्वज जो है, हम लोग जब कुछ तंदुरुस्त इसलिए रहते थे उसमें खाली मट्टी का मटका होता था। हाँ। मट्टी का मटका में सिंपल चीज़ है, आप देख सकते हो पानी, कोई भी मटका का पानी जो ठंडा जो रहता है वो कोई भी फ्रिज के बराबर नहीं है। सही। फ्रिज जितना भी अच्छा वाला आप ले लो, आई एफ भी ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें जो ठंडा पानी रहता है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है, आपको क्वालिटी मेंटेन होता है, इसलिए हम लोग ये मटका में यूज़ करते हैं हम लोग। सर सही है, चलो देखते हैं सर फ्राई क्यों करना है इसको? सर ये फ्राई इसलिए करना है, उसमें क्या होता है आपका जो क्वालिटी वो जो है उसको रिटेन करना पड़ता है। हम लोग पाउडर करने से पहले इसको फ्राई करना पड़ता है। फ्राई करने से उसका कई गुण जो है उसको हाफ फ्राई हो जाता है उसमें ऑलरेडी। हाफ फ्राई करने से आप जो भी आइटम देख लीजिए ऐसे रखने से उसमें कीटाणु वगैरह हो जाता है। ये फ्राई मतलब एग्जैक्ट फ्राई नहीं है, ये डिसइंफेक्शन जैसे करते हैं ना हम लोग, नॉर्मल जो स्टेरलाइजेशन जो करते हैं हम लोग, नॉर्मल आजकल का आधुनिक टेक्नोलॉजी में जो स्टेरलाइजेशन करते हैं, ये स्टेरलाइजेशन नहीं, ये पुराने तरीके का स्टेरलाइजेशन है। ये ऐसे नहीं कि इसको पूरा फ्राई नहीं करते हम लोग, आप देख सकते हो इसको फ्राई में जो किया हुआ है इसमें खाली थोड़ा सा हाफ बॉइल्ड है, हाफ बॉइल्ड में इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी डिसइंफेक्शन रहता है वो सब निकल जाता है इसमें। ठीक है सर, यहाँ पे मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलेट्स यहाँ पे? सर इसमें 9 तरह का मिलेट्स होता है, 9 तरह का मिलेट्स है। उसके बाद जो बाकी भी है उसमें आपका ग्राउंडनट है, मेज है, जोवर है, बाजरा, जोवर, ये सब होता है। तो देखिए अभी ये जोवर हो रहा है, जोवर भी क्या है, अभी ये सेम चीज़ जोवर आप उस दूसरा चीज़ में करेंगे, नॉर्मल इसमें करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उबल जाता है, इसमें उबलता नहीं है। देखिए आप जो भी कर रहा है इसमें उबला नहीं है, इसको डिसइनफेक्ट करता है वो। तो अर्दन पॉट्स का काम वही है, वही है, इन यूनिफॉर्मली आपका जो भी है यूनिफॉर्मली नेचुरली करते हो। चलो ठीक है, अभी अभी तक हमने फ्राइंग भी देखा, इसको फ्राइंग होने के बाद आप मिक्स करते हो क्या? हाँ, फ्राइंग होने के बाद मिक्सिंग, फ्राइंग होने के बाद इसका एक प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनेटली इसको मिक्स करना पड़ता है हमको। प्रोपोर्शनेटली मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से हम लोग ग्राइंडिंग में भेजते हैं, वो भी मैकेनिकल ग्राइंडर नहीं है वो हमारा जो पुराना टाइम में जो पत्थर का ग्राइंडर होता था वो नॉर्मली आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे ग्राइंडिंग होता है, या हमारा मिल में ऐसे एक पत्थर होता है वो जो पुराना गांव में देखा होगा ना आपने, उसको फ्लोर मिल बोलते हैं हम लोग, उसमें मेटल पार्ट्स नहीं रहता। तो ये भी एक नेचुरल की तरह से ये पाउडर होता है, ये पाउडर होने के बाद हमारे लिए फिर पैकिंग के लिए आता है। चलो अब हमने फ्राइंग भी देख लिया, अब यहाँ पे जो है ये फ्राई हो चुका है, ये क्लीन हो चुका है, डिसइंफेक्टेड हो चुका है, उसके बाद ये क्लीन हो चुका है, ये फाइनल प्रोसेस है। इसको हम लोग वेई करके वही के हिसाब से इसको मिक्स करते हैं, इधर मिक्सिंग होने के बाद ये हम लोग फिर से इसको हमारा जो ग्राइंडर में भेजते हैं, ग्राइंडर में जो है नेचुरल स्टोन के स्टोन ग्राइंडर में ग्राइंडिंग होता है। अभी मैं पैकिंग सेक्शन में हूँ, यहाँ पे तो अलग तरीके का वाइब है, चलो पूछ लेते हैं क्या है यहाँ का प्रोसेस। ये हम लोग इतना साफ सुथरा इसमें सब कुछ करने के बाद, ग्राइंडिंग होने के बाद हम लोग इधर फिर से और एक हमारा सेक्शन है जहाँ पे उसको पूरा छानते हैं हम लोग। पूरा छानने के बाद छोटे छोटे कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आइटम्स है वो सब छान के निकाल देते हैं। तो ये जो पाउडर जब बनता है ये हाइजीनिकली प्योर फॉर्म पाउडर रहता है। ये पाउडर को हम लोग फिर से हमारा छानने के बाद, इसके बाद हम लोग इसको पैकिंग में जाता है। पैकिंग में हमारा जो पैकिंग है
500 ग्राम का जो पैकिंग रहता है उसमें 500 ग्राम का प्रोडक्ट रहता है आपका, इट इज़ नॉट नेट वेट करके नहीं है। हम लोग 500 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा, पैकिंग के साथ 520 ग्राम आएगा आपको पैकिंग छोड़ के। तो अगर आप 1 केजी का पैकेट लेंगे आपको 1 केजी का उसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, पैकिंग मिला के 1 केजी 100 ग्राम आएगा उसमें, ऐसा रहता है हमारा। बहुत सही है, ये तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ, ये तो प्योर फिल्ट्रेशन हो रहा है, प्योर मतलब सब जगह फिल्टर्ड प्योर प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तो बिल्कुल 500 ग्राम्स का है ये, यहाँ पे कुछ क्या बोलूँ मैं, पीछे कुछ हो रहा है आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्योर 500 ग्राम्स का प्रोडक्ट है। और उसके बाद पैकिंग, उसके बाद ये तो पैकिंग आप देख सकते हो, मैं सोचा कि ये तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, ऐसे बिल्कुल नहीं है साहब, ये प्रोडक्ट पैकिंग तो मतलब इंटरनेशनल लेवल का है। मैं तो देख सकते ये एम्बोस्ड भी है, आपने तो बहुत देखा हुआ होगा ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, उसका पैकिंग से भी बहुत बढ़िया है। मैं तो लाइक अरे चलो, ये तो हमने पैकिंग भी देख लिया, कैसे है प्रोडक्ट सब कुछ देख लिया, अरे भाई साहब इसको कैसे यूज़ करें चलो पूछ लेते। ये पाउडर हमारा जो पाउडर है इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। 2 चम्मच पाउडर, 1 ग्लास मतलब पाउ लीटर पानी में इसको पहले घोल लेने का, घोल के 5 मिनट इसको उबालना है। 5 मिनट उबालने के बाद हमारा जो स्टाइल में जो बोलते हैं गंजी बोलते हैं, रागी गंजी जैसे, उसको एकदम थोड़ा सा जाड़ा बन जाता है, उसको आप आराम से उसको ठंडा होने के बाद आप पी सकते हैं। ये बाकी जो प्रोडक्ट्स है शुगर प्रोडक्ट से उस वैसे नहीं रहता, ये पीने के लिए हमारा जो कन्नड़ा में एक बोलते हैं एकदम मीठा खीर बोलते हैं ना, खीर जैसा रहता है हमारा प्रोडक्ट। तो जो भी है बच्चे, ये हमारा जूनियर प्रोडक्ट है, इसको भी स्वादिष्ट करके लेते हैं। ये हमारा सीनियर प्रोडक्ट, अभी नॉर्मली क्या होता है जो भी लेते हैं मेडिसिन जैसे नहीं है, ये सप्लीमेंट है, आपको थोड़ा सा लाइट फूड में आपको बहुत पौष्टिक आहार मिलता है आपको। वही मैं पूछने वाला था कि ये क्या है जूनियर जीनी, इसके बारे में थोड़ी बहुत। जूनियर क्या हो गया, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो है बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत सारे फूड्स वगैरह जो लेते हैं सप्लीमेंट्स देते हैं बच्चों के लिए, जो हमारा मेंटल ग्रोथ के लिए वगैरह जो देते हैं। तो ये आपने पुराने टाइम में देखा होगा दादी का जो बनाया हुआ जो एक अलग सा पाउडर रहता था, तो ये उससे काफ़ी अच्छा है, ये हमारा दादा परदादों का लेवल का ये, तो ये भी उनको बच्चों के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है, उनका जो मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बाकी बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर सबको ये हेल्पफुल है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर कितने बार यूज़ करना है इसको, दिन में कैसे हेल्प हो सकता है ये? इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है, सुबह खाली पेट में यूज़ करेंगे तो बहुत उसका फ़ायदामंद होता है, तो सुबह खाली पेट में आप एक बार ले लीजिए, और शाम को चाय कॉफ़ी के बदले में इसको ले सकते हैं। आजकल के ज़माने में कैफीन कॉफ़ी जो है देह के लिए हानिकारक है, उसको तो हम लोग डालते रहते हैं मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, खाली वो क्या मेंटली हमको हाँ कॉफ़ी पिया मैंने हेडेक चला गया इतना ही होता है हमारे लिए, बट उसमें कुछ आपको एनर्जी नहीं मिलता। इसमें बहुत सारा हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है फीडबैक, कस्टमर जो फीडबैक है लोग बोलते हैं हम लोग, मैं इतना 60 साल का आदमी हूँ रिटायर हो चुका हूँ, मैं खाली मेरे को नॉर्मली बाथरूम जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था, चेयर से उठने के लिए सहारा लेना पड़ता था, ये सब बोलते थे। अभी हमारा जीनी प्रोडक्ट लेने के बाद हमारा वीडियोस में आप देख सकते हो वो खुद चलता है, अपना काम खुद करते हैं। देखो एक आदमी अपना ज़िंदगी 60 साल जी लिया, उसके बाद इंडिपेंडेंटली जीने के बाद उसको किसी को सहारा लेने के लिए उसका मन बहुत ये होता है, तकलीफ़ होता है उनको। अभी ये जीनी के बाद उनको जो आनंद जो है वो अलग तरह से है, हाँ मैं अभी भी मैं अपना काम खुद करता हूँ, वो खुशी हमारे लिए बहुत होता है। अभी रिसेंटली एक स्ट्रोक हुआ था एक आदमी को, हाँ तो हाथ भी नहीं हिल पा रहा था, तो हमारा वीडियो में है उसमें, वो अभी आराम से चल रहा है। और हमारा दिलीप सर ने भी बोला था स्टार्टिंग में हमारा फैक्ट्री जब बना था उस समय एक डॉक्टर ने होप छोड़ दिया था, ये बंदा मैक्सिमम 1 या 2 महीने जी सकते हैं कैंसर पेशेंट, वो हमारा जो मालिक है दिलीप सर ने उनको फ्रीली प्रोडक्ट दिया तुम यूज़ करो, वो बंदा उसके बाद 3 साल तक जिंदा रहा हो। और ऐसा नहीं कि 3 साल में फिर ये वो क्या है बट वो देहांत की वजह से देहांत हुआ, बट खुशी देहांत हुआ उनका, ऐसा नहीं कि वो रो रो के नहीं हुआ। तो इसमें कई लोगों का जो है
आई साइट इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत सारे हमको बहुत बहुत तरीके का, क्योंकि ये क्या है, ये पावर पैक जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ये क्रिकेट में जैसे बोलते हैं ना हम लोग, हाँ पर पावर पैक परफॉर्मेंस, खाली ये बॉलर नहीं है फील्डर नहीं है, ये नहीं, ये ऑलराउंडर है आपके लिए, बीपी शुगर आपका पैर दर्द सभी के लिए, आप एक महीने प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ऑलमोस्ट आपको खुद को पता चल जाएगा। अभी हमारा ऑर्डर्स भी ऐसे हो रहा है कि जैसे आपने लेके गया प्रोडक्ट, लेकिन के बाद पहले ही वर्डिंग तो सभी यही बोलते हैं सर हम लोग एक महीना इसको यूज़ करके देखेंगे उसके बाद अगला ऑर्डर देंगे। हम लोग एक महीने तक आज तक कोई भी कस्टमर एक महीने के बाद नहीं आया, 5 से 6 दिन के अंदर वो आएगा, सर मेरे को और 5 पैकेट चाहिए, मेरा भतीजा को चाहिए, मेरा नानी को चाहिए, ऐसे जा रहे हैं उनको। तो ये सबको हेल्पफुल हो रहा है, और आज के ज़माने में हेल्थ इज़ वेल्थ करके हम लोग जो बोलते हैं, बट अभी इतना ये वेल्थी है फूड, ये वेल्थीएस्ट फूड है मैं आज तक जो देखा हुआ। मेरा डैडी मेरे पिताजी के लिए लिया था मैंने पहली बार जो प्रोडक्ट है, तो उन्होंने यूज़ करने के बाद वो चलता फिरते थे, मतलब अभी भी एट द एज ऑफ 75 अभी भी फॉरेन ट्रिप्स वगैरह जाता रहते थे, तो वो थोड़ा सा पता चलता था ओके 75 हो गया, हम लोग को एक माइंड में ही होता था। अभी जीने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो 75 जो है उल्टा हो गया, 57 हो गया, 50 हो गया, पता नहीं चलता, और तंदुरुस्त में घूमता रहता है। एंड उनका इंसुलिन वगैरह स्टॉप हो गया, टैबलेट्स है माइल्ड टैबलेट्स में है, वो भी शायद कम हो जाएगा उनका। सर इस वेल्थीएस्ट फूड का कॉस्ट कितना है? सर ये हमारा जो है सीनियर करके ये होता है, ये हमारा सीनियर में ये हमारा प्रोडक्ट केवल मात्र 369 रुपीस है 1 किलो के लिए। ये 1 kg प्रोडक्ट एक आदमी के लिए एक महीना आता है, और ये जूनियर जो है हम लोग हाफ केजी का बनाया हुआ है, हाफ केजी का है 198 रुपीस है। ये हाफ केजी जूनियर इसलिए बनाया हम लोग क्योंकि बच्चों को थोड़ा और फ्रेशली देते रहेंगे करके, तो हमारा इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है इसका शेल्फ लाइफ है 5 मंथ्स। 5 मंथ्स के अंदर आपको यूज़ करना है, अभी हमारा इतना डिमांड है कि 5 मंथ्स क्या है, हमको 15 दिन का भी नहीं होता है। चलो ठीक है, मैं कैसे ले लूँ ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट के लिए अभी हम लोग को पैन इंडिया में सभी जगह मिलने के लिए हम लोग सब व्यवस्था किया हुआ है। आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए या आप अपना एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो नीचे स्क्रॉल किया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हम लोग चेक करके फिजिबिलिटी देके आपको बैकग्राउंड चेक करके हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी आपको प्रोडक्ट पहुँचाना है वो काम हम लोग करते हैं। वो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हो क्या? डिस्ट्रीब्यूशन भी देते हैं हम लोग, अपना एरिया में खुद कर सकते हैं, तो एक जो ये ऐसे है कि आपको रोजगार भी हो जाता है इसमें से, एक फैमिली ऑक्यूपेशन भी हो सकता है शायद। चलो ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हो रहा है प्रोडक्ट, फिर कैसे आपको मिल सकते हैं प्रोडक्ट, सब कुछ फिर एक्सपीरियंस में हम देखेंगे कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। चलो देखते हैं जी। सर नमस्कार, आपका नाम? नमस्ते नमस्ते सर। आपका नाम? मेरा नाम राणमल जैन। ठीक है, आप कहाँ से हो? हम राजस्थान में रहते हैं, जोधपुर जिला, वहाँ राजस्थान में रहते हैं। अरे क्या बात है, आपने यूज़ किया क्या जीनी प्रोडक्ट? जीनी प्रोडक्ट साहब 2 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले मुझे मधुमेह का बीमारी था, वो 8-9 साल से बीमारी था, तो डॉक्टर को बता के बस हो गया। बाद में इनका जीनी प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, परिचय हुआ, वो जीनी प्रोडक्ट देखा तो 6 दाने से वो तैयार किया हुआ था, एकदम शुद्ध से तैयार किया गया था, तो दाने लेने पर मुझे शुगर बीमारी मिट गया। अभी पहले 300 पॉइंट था, अभी 130 पॉइंट पर आ गया। बहुत सही है। हाँ, ये श्री धान्य बहुत अच्छा है और कई रोगों के बीमारी का रामबन किया जाता है, इसे राम बहावन कहे तो भी परवाह नहीं, बहुत अच्छा है। सही है। तो आपने यूज़ किया, ये प्रोडक्ट सही है? प्रोडक्ट सही है ये। ठीक है, और आपके घर में कोई लोग है क्या ये यूज़ करने वाले? हमारे घर में अभी लोग है, एक औरत को यह आता थायरॉइड था, वो भी अभी आराम हो गया, अभी वो 15 दिन से ले रही है, तो वो भी अभी अच्छा है, आराम है जी। आप देख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शहर का नहीं है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब जगह ये यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत सही प्रोडक्ट है। यस, मेरे पास है जीनी मिलेट हेल्थ मिक्स, नो एडेड शुगर, जीरो प्रिजर्वेटिव एंड दिस इज प्योरली हेल्थी। अरे यार, I am so very happy with this, and
मैं दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी एक बार ट्राई कर लो, ये तो बहुत सही है प्रोडक्ट। एंड नंबर्स तो नीचे है भाई, आप कॉल कर सकते हैं, इसको आप भी ले लो एक बार, और फिर आपका जो भी है फैमिली रिलेटिव सबको शेयर करो। डेफिनेटली ये चीज़ तो लोकल से ग्लोबल है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बोला था कि हम वॉइस उठाना है, किसके लिए, वोकल फॉर लोकल। ये है भाई, ये तो मैंने सोचा था एक लोकल प्रोडक्ट है, बट ये तो पैन इंडिया स्टार निकला है। चलो आप भी एक बार ले लो ये प्रोडक्ट, ट्राई करो, एंड जितना हो सके उतना ही वीडियो को शेयर करो, लाइक दबाओ एंड कमेंट तो कर लो भाई साहब। चलो मिलते हैं, मैं हूँ सूरज कुमार एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।